जय माता दी मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों आज हम बात करेंगे धनु राशि की। क्या है धनु राशि और किस तरीके से परेशान होने वाले हैं धनु राशि, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। और क्या बीतने वाले हैं अगले महीने में, क्या बीतने वाले हैं मार्च के महीने में, पूरी जानकारी हम लेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले उनके बात करते हैं कि ये धनु राशि वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और किस तरीके से होते हैं। धनु राशि वाले जितने भी जातक या जातिका जो भी होते हैं, इनको पढ़ने और लिखने में अत्यधिक मन लगता है। इनको ज्ञान सीखने में, कोई भी काम को सीखने में इनका जो है मन ज़्यादा लगता है। ये इस स्वभाव के होते हैं कि कभी भी सच का ही साथ देते हैं और सच बोलते हैं। ये धनु राशि के जितने भी जातक हैं ये सभी लोग सच बोलते हैं और सच का सामना करते हैं। इनको कर्ज लेने से डर लगता है परंतु कर्ज ले भी लेते हैं। इनको कर्ज लेने से डर लगता है लेकिन कर्ज ले भी लेते हैं। और इनको कर्ज देने से भी डर लगता है, किसी को कर्जा देते नहीं हैं क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं ठेस लगता है, कहीं ना कहीं इनको संकोच होता है कि क्या पता मैं कर्ज दूं और वो वापस ना दे। धनु राशि के जितने भी जातक हैं ये बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ये किसी न किसी सरकारी ऑफिसर, सरकारी कचहरी, सरकारी जॉब या सरकारी कामों में ही लगे होते हैं और इनका हाथों से कभी भी किसी का भला होता है। इनके हाथों से कभी भी किसी का भला होता है, बुरा बहुत कम चांसों में देखा जाता है, कम चांसों में देखा जाता है। धनु राशि जितने भी लोग हैं धनु राशि वाले, इनके माता पिता का सहयोग इन पे बहुत रहता है। और हो सकता है कि जो 80 वर्ष के आयु में पहुंच चुके हैं, जिनके माता पिता धनु राशि जातकों का माता पिता जिनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है, उनका हो सकता है तो इस माह उनकी देहांत भी होने की संभावना है। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि धनु राशि के जितने भी जातक हैं ये बड़े ही कर्म करने वाले होते हैं और ये कर्मशील होते हैं। ये किसी भी काम को लेकर के पीछे नहीं हटते, ये किसी भी काम करके को अपने 100% देते हैं। इनकी हाथ की लकीरें जो है वो जितनी भी रेखाएं हैं सब एक समान नहीं है। ये इनकी पत्नी का और इनकी जो भी रेखाएं हैं एक समान नहीं मिलती है। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि जो भी इनके हाथ की रेखाएं हैं ये रेखाएं एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, जबकि ये बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और इनके हाथ की लकीरों की जो भी रेखाएं हैं वो प्रकृति का दिया हुआ वरदान होता है। मित्रों जितने भी धनु राशि के जातक हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इनके ऊपर मुसीबत आती है लेकिन ये अपने ज्ञान और बुद्धि से उस मुसीबत का निपटारा कर लेते हैं। ये अपने बुद्धि से उस ज्ञान लगा करके उस कष्ट को, उस मुसीबत को निपटारा कर लेते हैं। और जहाँ तक इनकी राशिफल की बात है तो इनका राशिफल पूरे वर्ष में अच्छा ही रहने वाला है। इनको सितंबर या जुलाई में थोड़ी सी कष्ट आ सकती है, सितंबर और जुलाई में, लेकिन बाकी जो भी मास है इनको फलदायी, शुभ और लाभ देने वाला बनता है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।